चतुर्थ पाठ पाठ चार विलासा रतन जनपद अंतर्गते सतादिक वर्ष पूर्वां लगराईती ग्रामात स्वापत्निया सह जू को परशु नामन कैवट्य निर्गत सौ वर्ष से अधिक पहले रतनपुर जिला के अंतर्गत लगरा इस गांव से अपनी पत्नी के साथ जीवकोपार्जन के लिए परसु नामक केवट निकला तर्पानदी तो तटे अतिष्ठान वे दोनों अर्पा नदी के किनारे पर रुके अर्पाया तटे एक लघुग्राम आसित अर्पा के किनारे पर एक छोटा सा गांव था परशु अर्पानद्या प्रतिदिन मतस खेट कौती स्म अर्पण नदी पर प्रतिदिन मछली का शिकार करता था कालांतरे तस्य भार्या वैसाखा एकां स्वस्थ बलां अजन्यत कुछ समय बाद उसकी पत्नी बैसाखा एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया बालिका लावणवती आसित वह बालिका सुंदरी थी लावण्यन तस्ह इति नामकरण अभवत सुंदरता के कारण उसका नाम बिलासा हुआ विलासा शैशव काले बाल बाती स्म बचपन में बिलासा लड़की लड़कों के साथ खेलती थी बालका नाम क्रीडकन क्रम च रोचते स्म उसे लड़कों का खिलौना और खेल अच्छा लगता था बिलासा अदम्य साहसिका आसित बिलासा अदम्य साहस वाली थी एकदा सुप्तम बालम नीतवा पलयानम कुर्वन आसित एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था तदा बिलासा वृकम तांडित्वा बालक मुक्तं कृत्वा करवातरम संप्रियत तभी बिलासा भेड़िया को डंडे से मार कर बालक को छुड़ाकर मां माँ को सौंप दिया बाकै मल कौशल शिक्षते स्म लड़कों के साथ विलासा कौशल सीख रही थी तहसम दृष्टि जन तलग्रम रक्षण से दायित प्रदत्त उसके साहस को देखकर लोग उसके दल को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी यदा वर्षा काले अर्पा नद्याम जाता जब वर्षा काल में अर्पा नदी में बाढ़ हुई तदिलासा नैकाया जना संतारियती स्म तब विलासा नौका से लोगों को पार लगाती थी एवं सा नौका नौकाचाली पारंगत जाता है ऐसे ही वह नौका चलाने में भी कुशल हो गई थी सा लौकनिक गीतों अपी सिद्धा आसित वह लोकनृत्य और संगीत में भी निपुण थी ग्राम से सर्वेशु सा अग्रासित गांव के सभी कार्यक्रमों में वह अग्रसर थी कालासाया विवाह नामना युवक सह अभवत बाद में बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ बिलासा प्रतिदिन वन वन्य फलानि वन्यफला गच्छति ग बिलासा रोज़ चार तेंदु जंगली फल लेने जाती थी तथा च बंसी महिषा वनम प्रति तथा बंसी भैंसा चराने के लिए जंगल जाता था यदा सायंकाले बिलासा पतिया साक गृहम प्रति न्यूतवर तदा सहसा आखेट भ्रमता कल्याणशयुपरीक व्याघ्र आक्रमण कृतवा एक बार विलासा पति के साथ घर लौट रही थी तभी अचानक शिकार के लिए आए हुए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण किया तमविलेख के बिलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राग्य प्रणान अरक्षित उसको देखकर कर बिलासा बाघ के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की अन्या कल्याणसाय बिलासा प्रभावित भूत जागीर विलासाय दत्वांत इससे विलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अरपा नदी के दोनों किनारों का जागीर बिलासा को दे दिए तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागत तथा राजा रतनपुर वापस आ गए अनंतरम ताम खंडेन अकृत्यम महिला सेनापति इति पदे नियोजत बाद में उसको तलवार अलंकृत करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त कर दिए बिलासा स्वत्न ग्राम कृतवती बिलासा अपने प्रयत्न से गांव का विकास की तरह वर्धम प्रभाव दृष्टि प्रतिवेशन तस्या क्षेत्रे आक्रमण कर उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्य उसके क्षेत्र में आक्रमण किए ते सह बिलासा साहसेन युद्धम अक्रोत उनके साथ बिलासा साहस से युद्ध की सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगति प्राप्तवती वह राज्य की रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई राज कल्याण सायी मत्स्य खेटका निवासस्थल बिलासयामनाथ बिलासपुर नाम प्राप्ति राजा कल्याण साय के निवास स्थान को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर इस नाम से कहा वर्तमान इदम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है विलासा सर्व कार्य न केवल स्वसमाजे समाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ समानिता अस्ति। विलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है छत्तीसगढ़ मत से पालन क्षेत्र प्रोत्साहन तथा नीलासाबाई केवटीन पुरस्कार प्रतिवर्ष दीये अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासाबाई केवटीन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है अभी चया नामना बिलासपुरे विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासा विलासाचतुष्पथ प्रभृत गौरवितता सी और उसके नाम से विलासपुर में विलासा ताल, विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासा चौराहा इत्यादि इदी हैं एवं छत्तीसगढ़ से साहस शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्र आदर्शभूता अस्त ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य की पूजनीय बिलासा साहस पराक्रम कर्मनिष्ठा का आदर्शभूत है